दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। स्थानीय ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम बल्टन पार्क में 11वीं ऑल इंडिया बलवंत सिंह कपूर हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट के छठे मैच में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और वीएस अग्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरी गढ़ी दिल्ली में खेला गया, मुकाबला ड्रॉ रहा। वहीं सातवें मैच में इंदिरा प्री दर्शनी हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरूर को करारी शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट के अगले पायदान में अपना नाम दर्ज किया। इस टूर्नामेंट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसओडी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर ओलंपियन संजीव कुमार, ओलंपियन वरिंदर सिंह, ओलंपियन अजीत पाल सिंह, हरभजन सिंह, जसपाल सिंह, जंग बहादुर सिंह संघा, टूर्नामेंट कमेटी के प्रधान हरभजन सिंह कपूर, मनमोहन सिंह कपूर, तीरथ कपूर, मनजीत सिंह कपूर, गुणदीप सिंह कपूर, जीएस ढींगरा, वरिंदर सिंह, मुकबैन सिंह, संजीव कुमार, मनदीप सिंह सहित अन्य खेल प्रेमी भी मौजूद थे। 11वां ऑल इंडिया बलवंत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट हो रहा बलवंत कपूर और ये पूरे कंट्री के बहुत अच्छी टीम आ गई और मैं समझना कि जे इस तरह के टूर्नामेंट आ जो यूनियर लैवल पर होंगे वह सही कदम आ हॉकी प्रमोट करन दे लई और 11 साल तो यह चल रहा और ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर अगे निकले भी है और आने वाले टाइम के जोड़े आ अच्छे प्लेयर आने और कपूर फैमिली नूं मैं मुबारकबाद दिना जिन्होंने उपराला किया और यंगस्टर नूं मौका दिता खेलने का।